हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहाँ पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहां पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी पीपीपी लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। सारा कंपैरिजन एक तरफ और वीडियो ऑनर का मासूमियत के साथ कहना है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं एक तरफ, ये बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने बात की थी, लेकिन जुबान का अच्छा खासा फ़र्क होने की वजह से इस कहावत को वैसे बयान नहीं किया जा सका। लेकिन बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लाहौर के बारे में जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब अगर इस कंपैरिजन की बात करें तो दिल्ली बमुकाबला लाहौर, ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसे आज से ही नहीं सदियों से देखा गया, क्योंकि दिल्ली और लाहौर का इतिहास बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, दिल्ली और लाहौर का कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और कभी ये सब यूनाइटेड पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। आज अपनी जीडीपी में दिल्ली लाहौर से बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देता है, $300 बिलियन से ज़्यादा जीडीपी दिल्ली की है, जबकि दूसरी तरफ तकरीबन $80 बिलियन की जीडीपी लाहौर की देखने को मिलती है। और जो दूसरा बहुत अहम फ़र्क लिटरेसी रेट का था वो भी बहुत ज़्यादा है, 86% लिटरेसी रेट दिल्ली का बताया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ 65% लिटरेसी रेट था लाहौर का। और दोनों शहरों में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि दोनों अपने ममालक के दूसरे बड़े शहर आते हैं, लेकिन आबादी का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लाहौर की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा, जबकि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जा रही थी। एक और अहम फ़र्क ये भी है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, जबकि लाहौर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत या कैपिटल सिटी नहीं है। दिल्ली शहर को एक फ़ायदा ये भी हासिल है कि इसके आसपास 2 ऐसे शहर आबाद किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तौर पर, जो आने वाले भारत की असल तस्वीर है, गुरुग्राम सिटी और नोएडा सिटी, जबकि लाहौर के पास हमें ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिलता। लेकिन लाहौर पाकिस्तान के तनाजुर में एक अच्छा खासा तरक्की याफ्ता शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको तारीख और जिद्दत यानी हिस्ट्री और जदीद दुनिया का पूरा पूरा इम्तिजाज देखने को मिलता है। इसी वजह से लाहौर में सैर व तफरी के अच्छे खासे मौके भी मौजूद हैं और मुग़लों से लेकर ब्रिटिश तक और ब्रिटिश के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने भी लाहौर शहर को आबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस भी हमें लाहौर में देखने को मिली और पाकिस्तान की अकलौती मेट्रो ट्रेन ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन भी लाहौर में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ लाहौर में शुरू होते हैं और पाकिस्तान का कोई भी फैशन लाहौर शहर से ही निकलता है। यही वजह है कि लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। आज तो वक्त बदल गया, लेकिन कभी वक्त था जब लाहौर की बसंत दुनिया में एक नुमाया मुकाम रखती थी और भारतीय पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग लाहौर में आके बसंत को एंजॉय किया करते थे। लेकिन अब कानूनी पेचीदगियों की वजह से और पाबंदियों की वजह से वो तफरी भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर आज भी पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट का एक हब माना जाता है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी सैर व तफरी के बहुत बड़े मौके मौजूद हैं। दिल्ली गेट है, राष्ट्रपति भवन है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट है, रेड फोर्ट है, जामिया मस्जिद है, कुतुब मीनार है, लोधी गार्डन है, लोटस टेम्पल है और भी बहुत बहुत कुछ है। सबसे बढ़कर दिल्ली में जो चीज़ नुमाया की जाती है वो इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो है, जो तकरीबन 350 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और मुस्तकबिल में ये 470 किलोमीटर तक एक्सटेंड होने जा रही है। तो कुल मिला के इस कंपैरिजन में इतना ही है कि लाहौर पाकिस्तान में हर तरह की सहूलत का मरकज़ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली भारत में हर तरह की खुशी का बायस बनता है। अगर लाहौर को जिंदा दलान यानी जिंदा दिल लोगों का शहर कहा जाता है तो दूसरी तरफ दिल्ली तो है ही दिल वालों की। तो बहुत ही शानदार कंपैरिजन है और दोनों शहर अपनी जगह एक बहुत ही शानदार हैसियत रखते हैं। आपके कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर अच्छा चाहते हैं तो अपने कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।